बॉलीवुड से इस वक्त बहुत दुखद खबर आ रही है। खून भरी मांग, दयावान और जख्मी औरत जैसी फिल्मों के मशहूर एक्टर मंगल ढिल्लो का निधन हो गया है। मंगल ढिल्लो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। एक्टर यशपाल शर्मा ने उनके निधन की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि मंगल लंबे समय से बीमार थे और एक महीने से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन एक्टर की हालत बिगड़ती चली गई और आज आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। आने वाली 18 जून को मंगल का जन्मदिन था, लेकिन इससे पहले ही वो दुनिया को छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि मंगल का लुधियाना के एक अस्पताल में करीब एक महीने से कैंसर का इलाज चल रहा था। मंगल पंजाब के फरीदकोट में जटाना गांव में पैदा हुए थे। मंगल एक एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने MD एंड कंपनी नाम से प्रोडक्शन हाउस खोला था, जिसके बैनर तले वो पंजाबी फिल्में बनाते थे। 80 और 90 के दशक में मंगल ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। खून भरी मांग में मंगल एक वकील के किरदार में दिखे। इसके अलावा उन्होंने कई यादगार फिल्में की, जिनमें दयाबान, जख्मी औरत, प्यार का देवता, विश्व आत्मा और दलाल जैसी फिल्में शामिल हैं। इसमें वो कभी वकील तो कभी पुलिस इंस्पेक्टर तो कभी किसी में डाकू और कभी किसी में सपेरा के किरदार में दिखे। मंगल ने TV की दुनिया में भी खूब नाम कमाया। उन्हें आज भी बुनियाद, कथा सागर, जुनून, मुजरिम हाजिर, मौलाना आजाद, परमवीर चक्र और नूर जहां जैसे सीरियल्स के लिए याद किया जाता है। मंगल एक सीनियर एक्टर थे। उनके निधन का दुख न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी मनाया जा रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।